एक बार फिर से सीडीएनपी जिगमंड एजुकेशन में आपके लिए लेकर के आए हैं फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास। और यह क्लास 12th JEE और नीट के स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी है। आज का टॉपिक जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा बोर्ड में। तो बोर्ड में हम आ चुके हैं और इसमें आप लोग टू कंडक्टर्स ए एंड बी मेटलिक कंडक्टर्स देख रहे हैं ए एंड बी। और इसमें प्रीवियस नॉलेज का यूज करना है आपको जो पहले ही पढ़ाया जा चुका है। देखिए यहां पर चालक ए है और उसमें कुछ चार्ज दिया गया होगा, कुछ आवेश दिया गया है, तो उसका विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, V1 है। और दूसरे वाले चालक का विद्युत विभव या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, V2 है। ठीक है, इसे किसी कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया गया है, किसी संयोजन तार से, ठीक है, धातु के तार से जोड़ दिया गया है। ठीक है, अब विभव V1 का मान V2 से क्या ज्यादा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V1 इज ग्रेटर देन V2। अब आपको बताना है क्या होगा। आपने अगर पढ़ा है तो बहुत आसानी से आप बता सकते हैं कि क्या होगा। आवेशों का प्रवाह, आवेश Q चालक A से चालक B की ओर प्रवाहित होंगे। ठीक है, फ्लो ऑफ चार्ज, आवेशों का जो प्रवाह है वो कहां से होगा, कंडक्टर A टू कंडक्टर B। ठीक है, अब यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये दोनों ही चालकों का जो विभव है V1 और V2, अब अगर हम इनका डिफरेंस निकालें, पोटेंशियल डिफरेंस निकालें, ठीक है, तो यह पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा, ये सोचना है आपको कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम है या ज्यादा है तो फ्लो ऑफ चार्ज में, आवेशों के प्रवाह में क्या फर्क पड़ेगा। पोटेंशियल डिफरेंस का मान कम हो या ज्यादा हो तो उससे आवेशों की गति पर क्या फर्क पड़ेगा, और आवेशों की गति का मतलब क्या होता है, करेंट। ठीक है, यूनिट टाइम में जो फ्लो होने वाले चार्ज होते हैं, एक सेकेंड में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, धारा कहते हैं, करेंट कहते हैं। तो चार्ज Q के बदले आप करंट I का भी यूज कर सकते हैं। शॉर्ट में कहा जाए तो ये आपको सोचना है कि विभवांतर का मान कम हो या ज्यादा हो क्या धारा के मान में फर्क पड़ेगा, पड़ेगा। अगर आपको बात ठीक से क्लियर नहीं हो रही है तो चलो इस बात को आपके लिए दिए गए पुराने एक एग्जाम्पल से ही आपके तरफ से बात को निकलवाते हैं। ठीक है, आप लोग खुद बता पाएंगे कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। ये आपने पहले ही समझा है, हमने बताया है। ये देखिए एक डायग्राम हम लेते हैं, इस डायग्राम को ध्यान से देखें। ये पहले हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्सप्लेन करने के लिए वाटर टैंक्स के एग्जाम्पल लिए थे। ठीक है, इसमें एक वाटर टैंक ए है जिसका वाटर लेवल देख रहे हैं और दूसरा वाटर टैंक ई है। ठीक है, इसका भी लेवल देख रहे हैं। अब इसमें क्या होगा, वाटर का फ्लो होगा कितना तेज होगा, ये सोच लें, मन में कैलकुलेट कर लें, कुछ ना कुछ एक मान सोच लेते हैं। ठीक है, अब चलो इसके बाद एक और डायग्राम दिखाते हैं। ये देखो, अब दोनों में क्या डिफरेंस, ध्यान से देखो, इसमें इसमें ए टैंक और ये सी है, दोनों के वाटर लेवल चेक करिए, ई वाले में कितना है, सी वाले में कितना है। ई वाले का लेवल कम है, ठीक है, और सी का लेवल क्या है,
ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ, अब अगर हम दोनों ही वाटर लेवल का डिफरेंस देखें, जैसे यहां पर हम देख रहे हैं फर्स्ट वाले डायग्राम में ए और ई के लिए डिफरेंस कितना है, H1 है, कितना है H1 है। दूसरे वाले डायग्राम में डिफरेंस क्या है बोलो, H2 है, देख रहे हैं डिफरेंस क्या है, H2 है। अब फ्लो कितना होगा ये अनुमान लगाएं। एक और डायग्राम लेते हैं हम, ये देखो, इसमें देखें, इसमें क्या स्थिति आ गई है, इसमें डिफरेंस और भी कम हो गया है, ठीक है, मतलब इसका डी का वाटर लेवल और इंक्रीज हो गया, बढ़ गया है। चलो एक डायग्राम और लास्ट में लेते हैं हम, ये देखिए, अब इसमें क्या देख रहे हैं, इस वाले डायग्राम में जो वाटर लेवल है वो क्या हो गया है, दोनों का डिफरेंस क्या हो गया है, जीरो हो गया है, दोनों का डिफरेंस क्या हो गया है, जीरो हो गया है, ठीक है। अगर जीरो हो गया है, अब अनुमान लगाइए कि क्या सब में वाटर फ्लो की स्पीड एक सी ही होगी। अगर हम देखेंगे तो महसूस करेंगे कि अगर वाटर लेवल सेम है तो वाटर का फ्लो क्यों होगा, मतलब इस लास्ट वाले डायग्राम में रियल में वाटर का फ्लो नहीं होगा, वाटर फ्लो नहीं होगा, जबकि इन सब में होगा। लेकिन हम क्या देखेंगे, अगर H की वैल्यू जीरो है तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। अब इस वाले में क्या थोड़ा डिफरेंस है, मतलब इस वाले में थोड़ा थोड़ा फ्लो होगा, इसके मुकाबले इसमें और ज्यादा फ्लो होगा, इसके मुकाबले और स्पीड से होगा, ठीक है। और अगर एक और डायग्राम बनाते जिसमें सेकेंड वाले टैंक में वाटर बिल्कुल भी ना होता, तब तो उसमें और भी ज्यादा होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों के वाटर लेवल का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, वाटर के फ्लो की स्पीड उतनी ही ज्यादा होगी। और रियल में यही तो ओम्स लॉ है। अगर हम इसी बात को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर दें, जैसा कि हमने आप लोगों को पहले ही बताया था कि वाटर का मतलब यहां पर हम कन्वर्ट करने में क्या लिया करते हैं, चार्ज क्यू ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें दोनों में चार्ज क्यू है भरे हुए, Q1 Q2, और इसके बाद इसका दोनों का जो लेवल का डिफरेंस है, मींस क्या हुआ यहां पर, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा, कहलाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस इसमें सबसे ज्यादा है, इसमें सबसे कम है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस V1 - V2 की वैल्यू जीरो हो जाए, मतलब दोनों की विभव समान हो जाए, तो क्या आवेशों का प्रवाह होगा, धारा का प्रवाह होगा, करंट फ्लो होगा क्या, हरगिज नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। और नहीं होगा जबकि अगर वाटर लेवल अगर इसके मुकाबले इसमें आ जाए हम, मतलब इसमें दोनों के बीच में विभवांतर का मान जीरो से थोड़ा बढ़ जाए, थोड़ी देर के लिए मान लो 1 हो जाए, कितना हो जाए 1 वोल्ट हो जाए, जीरो से कितना हो जाए 1 वोल्ट, तो करंट फ्लो होने लग जाएगा। 2 वोल्ट हो जाए तो करंट और तेजी से फ्लो होने लग जाएगा। 3 वोल्ट हो जाए तो करंट और ज्यादा फ्लो होगा। कहने का मतलब क्या हुआ, जिस रेशियो में, जिस अनुपात में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू इंक्रीज होगी, ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस हम क्या मान लेते हैं, भी मान लेते हैं। जिस रेशियो में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी की स्पीड इंक्रीज होगी, उसी रेशियो में क्या होगा, आई की वैल्यू क्या होगी, भी इंक्रीज होगी, ठीक है। दोनों ही क्वांटिटी एक से रेशियो में इंक्रीज होगी। और अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब क्या कहा जाएगा कि दोनों ही फिजिकल क्वांटिटी एक दूसरे के क्या है बोलो, प्रोपोर्शनेट है। क्या है ये, एक दूसरे के प्रोपोर्शनेट है, ठीक है। मींस क्या हो जाएगा, भी प्रोपोर्शनेट आई, और यही ओम्स लॉ है। थोड़ा सा स्टेटमेंट को और अगर सुधार करके कुछ कंडीशन का यूज करके बताया जाए तो ओम्स लॉ किसने दिया था, जॉर्ज साइमन ओम, ठीक
ठीक है, इनका पूरा नाम क्या है? जार साइमन ओम। और इन्होंने 1826 में, 1826 में, ठीक है, 1826 में यह नियम बताया था जिसे हम ओम्स लॉ के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये अपने नियम में कुछ शर्तें भी रखते हैं, कुछ लिमिटेशन भी देते हैं। इनका कहना यह है कि यह बात तभी लागू होगी जब इनमें इनमें कोई छेड़छाड़ ना की जाए। छेड़छाड़ से तात्पर्य क्या है? एनी फिजिकल कंडीशन अनचेंज्ड, ठीक है, एनी फिजिकल कंडीशन अनचेंज्ड, मतलब क्या कह सकते हैं, या फिर डू नॉट चेंज, मतलब इनकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए। ये भौतिक अवस्था क्या है? भौतिक अवस्था से मुक्त तात्पर्य सबसे मेन बात आती है टेम्परेचर की। इसकी आती है जैसे टेम्परेचर ना बदला जाए, इनकी आकार आयतन, ठीक है, वॉल्यूम चेंज ना किया जाए, शेप चेंज ना किया जाए, ये सब क्या है? फिजिकल स्टेट है। ठीक है, इनमें परिवर्तन ना किया जाए तो तब ऐसा होगा। अगर चेंज किया जाएगा तो फिर ऐसा नहीं होगा, इसमें चेंज आ जाएगा। इसलिए अब ओम्स लॉ को हम कंप्लीट बोलने के लिए कैसा बोल पाएंगे, हिंदी में कैसा बोलेंगे? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन ना किया जावे, ठीक है, ये कंडीशन शुरू में ही बोल देंगे, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन ना किया जावे, ना किया जावे तो, ठीक है, तो चालक के सिरों पर, चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर, चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के क्या होता है? समानुपाती होता है। उसमें बहने वाली धारा के क्या होता है? समानुपाती होता है, मतलब भी समानुपाती आई। इंग्लिश में कैसा बोलेंगे? इफ द फिजिकल कंडीशंस ऑफ कंडक्टर आर अनचेंज्ड या डू नॉट चेंज, देन अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करेंट फ्लोइंग इन इट। ठीक है, इफ फिजिकल कंडीशन ऑफ कंडक्टर आर अनचेंज्ड या डू नॉट चेंज, देन अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करेंट फ्लोइंग ऑन इट। ठीक है, समझ रहे हैं? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं परिवर्तन ना किया जावे तो उस चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर, यहां चालक क्या है? ये वायर है। ये वायर क्या है? कंडक्टर है। ठीक है, और इसका ए टर्मिनल ये है और दूसरा टर्मिनल ये है, इसके सिरों में आरोपित किया गया विभवांतर, तो इसके सिरों में आरोपित विभवांतर कितना है? भी मान लिया था हमने, ये बोल दिया था हमने कि भी वन माइनस भी टू को क्या मान लो? भी मान लो। आरोपित विभवांतर कितना है? बोलो भी है। और उसमें बहने वाली धारा कितनी है? धारा कितनी? बोलो आई है। तो भी प्रोपोर्शनल टू आर हो जाएगा। ठीक है, अगर इस बात को हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में शो करना चाहें, ग्राफ के रूप में दिखाना चाहें, तो भी हम इस बात को बहुत ही आसानी से दिखा सकते हैं। ये देखो, यहां पर ये हमने वाई एक्सिस ले ली है और ये ले ली है एक्स एक्सिस, ठीक है, और इसमें हमने क्या किया? एक्स एक्सिस में ले लिया पोटेंशियल डिफरेंस भी, ठीक है, और वाई एक्सिस में क्या ले लिया? इलेक्ट्रिक करंट आई। ठीक है, और ये है ओरिजिन ओ। ठीक है, अब हम इसमें ड्रॉ करते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं। कैसे? ज्यो ज्यो वी का मान बढ़ाया जाए तो आई का ही बढ़ेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब होगा कि यह एक स्ट्रेट
स्ट्रेट लाइन हमें मिलेगी। कैसी लाइन मिलेगी? स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ये देखो, कभी भी वी और आई के बीच में अगर कोई ग्राफ आपको दिया जाए और स्ट्रेट लाइन है ऐसी, ठीक है, जो कि एक्स अक्ष की ओर क्या है, बेंड झुकी हुई है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस ले लिया हमने और ये क्या ले लिया, वाई ले लिया, तो इसका मतलब क्या है, ये वी प्रोपोर्शनल टू आई का ग्राफ कहलाएगा, वी आई ग्राफ कहते हैं इसको हम, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, वी आई ग्राफ। अब प्रोपोर्शनेट समानुपाती वाले साइन को हमें क्या करना है, हटाना है, तो क्या करेंगे हम, एक कांस्टेंट यूज करेंगे और वह कांस्टेंट यहां के नहीं है बल्कि क्या है, आई है, ये लो, ये ओम्स लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म हो गया, ठीक है, ये बॉक्स में बंद कर देते हैं। यहां पर आर क्या है, आर एक कांस्टेंट है जिसे, ये खास किस्म का कांस्टेंट है, इसे हम रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, ये क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, ठीक है, वेयर आर इज इक्वल टू क्या होगा बोलो, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, ठीक है, हिंदी में चालक का प्रतिरोध है ये, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर या चालक का प्रतिरोध, ठीक है, अगर इसको हम आगे बढ़ाना चाहें, आर के फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसा लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, ठीक है, या ऐसा ना कह के इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं, इसी लॉ को, वी अपॉन आई इज इक्वल टू आर, मतलब आप चाहें तो इस नियम को ऐसा ही बोल सकते हैं, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं परिवर्तन ना किया जावे तो चालक के सिरों में आरोपित विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में बोला जा सकता है, इफ द फिजिकल कंडीशंस ऑफ कंडक्टर, ठीक है, डू नॉट चेंज then the ratio of potential difference applied across its ends to the current flowing on it, ठीक है, ये ओम्स लॉ है, ओम का नियम है, ठीक है, here आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, क्लियर है। अब यहां से बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन निकलते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन यही निकलता है कि चालक के प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, व्हाट इज रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, ठीक है, रेजिस्टेंस का मीनिंग क्या होता है, ये बात अपन को समझनी है, ठीक है, आर एक रेजिस्टेंस है, अगर इसको और भी मनोरंजक तरीके से समझना है, देखना है, तो हमें ऐसा मानना चाहिए कि फिजिक्स भी एक मूवी की जैसी होती है और मूवी चलती रहती है, बीच बीच में नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होते रहते आते रहते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आर एक नया कैरेक्टर आया है, ठीक है, और अब इसका काम क्या है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है, इसका इंट्रोडक्शन ये है कि इसका काम होता है कि अगर किसी भी कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है उसको अपोज करना, उसका विरोध करना, ठीक है, आर को कंप्लीट अगर सेंटेंस में बोला जाए तो क्या बोल सकते हैं कि पदार्थ का वह गुण
जो उसमें धारा प्रवाह का विरोध करता है, प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, द ऑब्स्ट्रक्शंस ऑफर्ड बाय द कंडक्टर इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट इन इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। ठीक है ना, मतलब जो ऑब्स्ट्रक्शंस ऑफर्ड करता है, कौन कैरेक्टर होता है, किसी भी पदार्थ को ले ले हम, सिर्फ मेटल की बात नहीं है वैसे, हर हर पदार्थ में एक गुण होता है जो उसमें धारा प्रवाह का क्या करता है, वह विरोध करता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, अब ये कैसे विरोध करता है, इस बात को समझना है तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि वास्तव में किसी भी चालक में धारा बहती ही कैसे है। ठीक है, चलो इस बात को हम आप लोगों को डिटेल में बताते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट रहता है और स्टूडेंट्स के अंदर ये बात चलती रहती है कि करंट फ्लो होता कैसे है। ठीक है, करंट फ्लो होता कैसे है, कौन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में हम आप लोगों को एक शॉर्ट में एक अच्छी जानकारी देते हैं। ये देखिए, कोई भी एटम है उसमें क्या होता है, उसमें एक न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है। ठीक है, क्या होता है, उसमें एक नाभिक होता है और उस नाभिक के चारों ओर, उस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं ऐसे। ठीक है, जैसे ये क्या कहलाए, ये फर्स्ट ऑर्बिट हुआ। ऐसे ही किसी भी एटम में ऐसे ऐसे बहुत सारे ऑर्बिट हो सकते हैं। ये देखो, ऐसे ऐसे हम बहुत सारे ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखो, ये और इनमें इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, गति करते हैं, चक्कर लगाते हैं। जैसे मान लो ये फर्स्ट वाले में है तो इलेक्ट्रॉन्स ये 2 है। ठीक है, सेकंड वाले में भी और हो सकते हैं। अब इनको 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, ऐसे ऐसे जितने भी ऑर्बिट होंगे उनमें इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। समझने की बात क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन है जो ऑर्बिट में पाए जाते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं कहते हैं, और इन इलेक्ट्रॉनों की वजह से, ये जो इलेक्ट्रॉन्स बने हुए हैं ये, ठीक है, इन इलेक्ट्रॉनों की वजह से करंट का फ्लो नहीं होता है। ये इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे अगर हमने ये एक एटम लिया है, ऐसे दूसरा भी एटम होगा, तीसरा भी होगा, चौथा भी होगा, तो उनमें फर्स्ट वाले ऑर्बिट का जो एनर्जी लेवल होगा सबका एक जैसा होगा, सभी इलेक्ट्रॉन्स का, इसे हम फर्स्ट एनर्जी बैंड कहते हैं, प्रथम ऊर्जा बैंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऐसे ही द्वितीय ऊर्जा बैंड होता है, तृतीय ऊर्जा बैंड होता है, थर्ड एनर्जी बैंड होता है, फोर्थ भी होता है, ऐसे होते 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 सबसे जो लास्ट वाली ऑर्बिट होगी, ठीक है, ऐसे होते हुए जो सबसे लास्ट वाली ऑर्बिट होगी उसके बाद किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, ये मान लो सबसे लास्ट वाली ऑर्बिट है ये। ठीक है, अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन है कितने हैं, पता नहीं कितने भी हैं, जितने हो सकते हैं। ठीक है, 2, 4, 6 जितने भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। ठीक है, 2 बना दिए हमने यहाँ पर। ठीक है, तो ये सबसे लास्ट वाले जो ऑर्बिट है इसे हम क्या कहते हैं, वैलेंसी ऑर्बिट। ठीक है, संयोजी कक्षा कहलाती है ये, और इसी वजह से इस लास्ट वाले एनर्जी बैंड को हम क्या कहते हैं,
संयोजी ऊर्जा बैंड, बैलेंस एनर्जी बैंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये सबसे लास्ट वाली ऑर्बिट होती है जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, समझ रहे हैं। अब होता क्या है कि स्पेशली मेटल में, धातुओं में, ये जो बैलेंस एनर्जी बैंड है, संयोजी ऊर्जा बैंड है, यहाँ के इलेक्ट्रॉन बहुत कम ऊर्जा, बहुत ही अल्प एनर्जी, मिनिमम एनर्जी होने पर भी यहाँ से निकल करके कहाँ आ जाते हैं, इसके बाहर आ जाते हैं, ये बाहर वाले लेवल में आ जाते हैं। यह लेवल वास्तव में इसकी नाभिक, इसका जो न्यूक्लियस होता है, उसकी रेंज के बाहर होता है। याद रखिए कि ये जो इलेक्ट्रॉन है नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, रिवॉल्व हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है, और अट्रैक्शन फोर्स लगता है तो ये क्या बन जाता है, अभिकेंद्रीय बल बन जाता है। ठीक है, सेंट्रीपेटल फोर्स बन जाता है, और अब इस फोर्स की वजह से ये सर्कुलर मोशन करते हैं। तो जहां तक इस न्यूक्लियस का इफेक्ट इलेक्ट्रॉन पर होगा, वहां तक ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इसके अराउंड रिवॉल्व होंगे। लेकिन जब इसके बाहर इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन पर इस नाभिक का प्रभाव खत्म हो जाता है, समझ रहे हैं, इसका प्रभाव पूरी तरह खत्म हो जाता है। अब ये जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये पूरी तरह फ्री होते हैं, तो ये जो संयोजी ऊर्जा बैंड है या बैलेंस एनर्जी बैंड है, इसके ऊपर का जो लेवल होता है उसे हम कंडक्शन बैंड, उसे हम क्या कहते हैं, कंडक्शन बैंड, चालन बैंड के नाम से जानते हैं, कंडक्शन बैंड के नाम से जानते हैं। तो ये जो चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं यहां पर, ठीक है, यही इलेक्ट्रॉन रियल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और करंट फ्लो होने के लिए यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वैज्ञानिकों ने इन्हीं इलेक्ट्रॉनों की एक कॉन्सेप्ट सोची, और कौन सी अवधारणा दिया, वैज्ञानिकों का मानना यह है कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ठीक वैसे होते हैं जैसे कि एक बॉक्स में, एक चैम्बर में, चलो ऐसा चैम्बर ले लेते हैं, इस चैम्बर में जैसे क्या हो, आइडियल गैस के छोटे छोटे ये मॉलिक्यूल्स हो, ये आदर्श गैस होती है, उसके ये छोटे छोटे क्या है, ये मॉलिक्यूल्स हैं, और इस चैम्बर में बंद है। अब ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किस प्रकार की मोशन करते हैं, ब्राउनियन मोशन करते हैं, आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, ये ब्राउन गति करते हैं, मतलब अनिमेय जिग जैग मोशन होती है इनकी, मोशन कैसे, ऐसे ये इस प्रकार से, मतलब एक जाता है यहाँ से, फिर दूसरे टक्कर होती है, फिर यहाँ चला जाता है, फिर यहाँ चला जाता है, ऐसे हो करके इनमें क्या होती है, अनियमित गति होती है। इनकी स्पीड तो रियल में बहुत ज्यादा होती है, इनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, अप्रोक्सीमेट 10^5 मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से ये इलेक्ट्रॉन, ध्यान देना, ये मॉलिक्यूल्स या आदर्श गैस के जो अणु हैं, ये इनसे तुलना की गई है, कंपेयर किया गया, जैसे आदर्श गैस के अणु चैम्बर में क्या करते हैं, जिग जैग मोशन करते हैं, ठीक वैसे ही इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, 10^5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से यहाँ कंडक्शन बैंड में, चालन बैंड में क्या करते हैं, गति करते हैं। ठीक है, बात समझ रहे हैं, ध्यान देना, ये स्पीड है, चाल है, मतलब अनियमित गति है, ऐसी वाली, यहां से ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। लेकिन अगर हम बोलें कि एक कंडक्टर है, चलिए थोड़ा सा जगह बना लेते हैं,
ये देखें, जैसे एक ये मेटलिक वायर है और इसमें ये बहुत सारे क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स है, ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, जिग जैग मोशन करते हैं। इन्हीं इलेक्ट्रॉनों की बात हम कर रहे थे कि बंद बॉक्स में ये इलेक्ट्रॉन 10^5 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से, स्पीड से, जिग जैग, जिग जैग मतलब वहीं 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 वहीं, आगे नहीं बढ़ते। अगर हम सोचें कि इलेक्ट्रॉन आगे कितनी स्पीड से जाएंगे तो हम कहेंगे जीरो, क्योंकि खास डायरेक्शन में इनकी स्पीड क्या होगी, जीरो, वो रहेंगे वहीं। इस बात को अगर आपको समझना है तो एक छोटे से एग्जाम्पल से हम समझाते हैं। जैसे मान लो कि आपसे कहा जाए तेजी से दौड़िए, आप अपने स्कूल में हैं और दौड़ करके आपको कहाँ पहुंचना, बस स्टैंड पहुंचना है। आपकी स्पीड बहुत ज्यादा है, बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं, लेकिन आप कहाँ दौड़ रहे हैं, आप 12th क्लास के हॉल में आपको बंद कर दिया गया है और कहा गया स्पीड से दौड़ो। अब आप हॉल में वहीं वहीं दौड़ेंगे, कितना भी तेज दौड़ें, लेकिन आप बस स्टैंड कभी नहीं पहुंचेंगे, ठीक है, क्योंकि बस स्टैंड पहुंचने के लिए आपकी स्पीड इस डायरेक्शन में होना चाहिए, जबकि आप क्या कर रहे हैं, वहीं वहीं दौड़ रहे हैं। इस वजह से आपकी स्पीड बस स्टैंड के लिए क्या कहलाएगी, उसका वेलोसिटी क्या कहलाएगी, जीरो कहलाएगी। ठीक ऐसा ही होता है कि जब ये इलेक्ट्रॉन वहीं जिग जैग मोशन करते हैं तो वो वहीं वहीं करते रहते हैं, और जब वहीं वहीं मोशन होता है तो वहां पर करंट फ्लो नहीं माना जाता है, ठीक है। अदरवाइज स्टूडेंट सोच सकता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और वहीं वहीं मोशन हो रहा है तो ये तो करंट फ्लो होने लग गया, लेकिन ऐसा नहीं है। करंट फ्लो होने के लिए एक खास डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखो, जब इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने का मतलब क्या होता है, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, विभवांतर आरोपित करते हैं, ठीक है, एक तरफ ज्यादा कर दिया और एक तरफ क्या कर दिया, कम कर दिया, ठीक है। इसको ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे यहां पर हमने क्यू चार्ज रख दिया है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर चार्ज क्यू रखा हुआ है। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, बोलो, चार्ज क्यू की ओर इनका अट्रैक्शन होगा, ये ऐसे, क्योंकि इनमें कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है, कहाँ जाएंगे, धनात्मक की तरफ जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, इनकी कोशिश होगी कि बहुत स्पीड से अब वो इस तरफ से होकर के इस तरफ पहुंच जाए, होगी, और इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव होता है, इसलिए हमने पहले बताया था आप लोगों को कि इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव होंगे करंट उसके जस्ट अपोजिट होगा। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन इस तरफ भागते हैं तो हम क्या बोलते हैं, करंट ये इस तरफ बहता है। अब यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आती है समझने की, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आती है, अक्सर जो फ्री इलेक्ट्रॉन की बात की जाती है कि वो चैम्बर में, जैसे आइडियल गैस के एटम होते हैं, ये वाला एग्जाम्पल दिया जाता है, लेकिन इस वाले एग्जाम्पल में पूर्णता नहीं आती, सिर्फ स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन के बारे में समझ पाता है। रियल में क्या है, पूरे के पूरे मटेरियल में, मेटल में सिर्फ इलेक्ट्रॉन नहीं है। सोच के देखिए जरा, अगर ये बना हुआ है एटम, अगर इसमें से ये इलेक्ट्रॉन निकल गया तो रियल में क्या ये एटम बचा, ये गलत, अगर इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये बचेगा, आयन बनेगा, ये कौन सा, ये पॉजिटिव आयन बन जाएगा, धन आयन बन जाएगा ये, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेटल के अंदर जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो नो डाउट उस मेटल के अंदर क्या होते हैं, धन आयन भी पाए जाते हैं, ठीक है, क्या पाए जाते हैं, धन आयन पाए जाते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आगे की ओर भागना चाहते हैं, लेकिन होता क्या है, जैसी आगे भागते हैं तो इसमें बीच बीच में क्या होते हैं,
बीच बीच में पाए जाते हैं आयन, धन आयन, ऐसे ये धन आयन बीच बीच में क्या मिलेंगे इसमें, ये धन आयन मिलेंगे ऐसे, ये बीच बीच में पॉजिटिव, ये ठीक है, ऐसे ये धन आयन मिलेंगे और ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उनसे जा जाके टकराते हैं और जैसे ही टकराएंगे तो उनकी स्पीड क्या हो जाती है, उनकी स्पीड हो जाती है जीरो। जैसे ही टकराएंगे तो उनकी स्पीड कितनी हो जाएगी, जीरो। लेकिन बाहर से क्या लगा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया गया है, मींस ये प्लस क्यू चार्ज तो रखा हुआ ही है, तो इसकी ओर उन्हें आकर्षित होना ही है, इसलिए जैसे ही रोकेंगे दोबारा फिर से आगे कोशिश करेंगे, लगातार बार बार टकराने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे, फिर टकराएंगे, फिर जीरो होगा वेलोसिटी, उनकी वेव फिर जीरो हो जाएगी, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर जीरो हो जाएगा टकराने के बाद। ऐसा हम देखते हैं कि इनकी स्पीड इस डायरेक्शन में बहुत ज्यादा नहीं बढ़ पाती है, ठीक है, इनकी स्पीड अप्रोक्सीमेट 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड की ही रह पाती है, और इस वेलोसिटी को एक खास नाम से जाना जाता है, इसे हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलते हैं इसे, बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, हिंदी में कहलाता है ये अनुगमन वेग, अनुगमन वेग, समझ रहे हैं। इस प्रकार से जब किसी भी मेटलिक कंडक्टर को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मतलब विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में तेजी से गति करना चाहते हैं, किंतु आयनों के कारण वे एक औसत वेग ही, एवरेज वेलोसिटी भी एक्वायर कर पाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी या अनुगमन वेग कहते हैं, और इसे हम डिनोट करते हैं किससे, वीडी से। अनुगमन वेग किससे दर्शाया जाता है, वीडी से दर्शाया जाता है, समझ रहे हैं। अब आपने यहां पर देखा होगा कि इलेक्ट्रॉन जब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, सोचिए अगर ये आयन ना होते तो इलेक्ट्रॉन कितनी स्पीड से, बहुत ही ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ जाते हैं और करंट बहुत ही ज्यादा हो जाता, लेकिन ये आयन से टकराने की वजह से करंट ज्यादा नहीं हो पाता है, ठीक है, और यही आयनों का जो टक्कर है यही रियल में हमारे सामने रेजिस्टेंस के रूप में आ जाता है, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉनों के फ्लो में जो बाधा आ रही है इसी को क्या बोलेंगे, अगर इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में बाधा आ रही है, ऑब्स्ट्रक्शंस आ रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि करंट के फ्लो में भी बाधा आ रही है, उसमें भी ऑब्स्ट्रक्शंस आ रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का बहना और धारा का बहना दोनों एक ही बात है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बहेंगे जब फ्लो होंगे तभी धारा भी फ्लो होगी, करंट भी फ्लो होगा, क्लियर है। इस प्रकार से यहां पर जो रेजिस्टेंस होता है इसका कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छे से क्लियर करना चाहिए और पूरी थीम अपने दिमाग में रखनी चाहिए, और करंट फ्लो कैसे होता है ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। शॉर्ट में आप लोगों को याद ये रखना चाहिए कि इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो होता है वह रियल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण, ध्यान देना, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण, ये जो ऑर्बिट में मूव हो रहे हैं इनके कारण नहीं, बल्कि जो बाहर ये कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी वजह से करंट फ्लो होता है, ठीक है, और रेजिस्टेंस होने का क्या कारण होता है, इसके अंदर पाए जाने वाले जो प्लस आयन होते हैं उनकी वजह से ये रेजिस्टेंस का जन्म होता है, करंट को बहने में थोड़ा डिस्टर्ब होता है, बाधा पड़ती है, ठीक है, और यही कहलाता है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, ठीक है। अब डेफिनेशन देना इसकी बहुत आसान है, एक तो इंट्रो वाली डेफिनेशन दे सकते हैं अपन, इसका इंट्रोडक्शन कैसे, इसका इंट्रोडक्शन का मतलब ये होगा कि प्रतिरोध क्या है, व्हाट इज रेजिस्टेंस, तो हमें क्या बोलना पड़ेगा, द ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन
ऑफर्ड बाय द कंडक्टर इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट इन इट इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। हिंदी में किसी भी चालक में धारा के प्रवाह में या चालक किसी पदार्थ का वह गुण जो उसमें धारा प्रवाह का विरोध करता है क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, जबकि मैथमेटिकल डेफिनेशन में इसको बोलना पड़ेगा कि द रेशियो ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर एंड फ्लोइंग करेंट और इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। ठीक है, हिंदी में चालक पर आरोपित विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा के अनुपात को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, अब इसका एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक या यूनिट क्या होती है? यह होती है ओम, जिसे हम ओमेगा से, कैपिटल ओमेगा से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन देनी है हमें किसकी? एक ओम की। तो ये हो जाएगा एक ओम। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? आसानी से बना सकते हैं, इफ वी इज इक्वल टू 1 वोल्ट एंड आई इज इक्वल टू 1 एम्पियर देन R इज इक्वल टू 1 ओम। डेफिनेशन बोली जा सकती है। फर्स्ट कैसा बोलेंगे? यदि चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर कितना हो? 1 वोल्ट हो और उसमें बहने वाली धारा का मान कितना हो? 1 एम्पियर हो, तो चालक का प्रतिरोध कितना कहलाता है? 1 ओम कहलाता है। ठीक है, इफ अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर इज 1 वोल्ट एंड फ्लोइंग करेंट, वैल्यू ऑफ फ्लोइंग करेंट इज 1 एम्पियर, देन रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड 1 ओम। क्लियर है? अब इसमें खास बात यह है कि अगर ये वाला क्वेश्चन, दो क्वेश्चन बनेंगे, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या है? फर्स्ट वाले में एक्सप्लेन ओम्स लॉ या राइट ओम्स लॉ। ठीक है, जो शुरू में बोला हमने, यहां से ये वाला स्टेटमेंट आप लोगों को लिखना है, शुरू में हमने बोल दिया है, उसको एक बार रिवाइंड करके सुन सकते हैं और पूरा ये वी इज इक्वल टू आर आई। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन कौन सा? व्हाट इज रेजिस्टेंस, राइट इट्स डेफिनेशन एंड एसआई यूनिट। ठीक है, मतलब प्रतिरोध क्या है इसकी परिभाषा लिखो और इसका एसआई मात्रक लिखो, उसे भी परिभाषित करो। तो क्या करेंगे? रेशियो वाली डेफिनेशन लिख देंगे, एसआई यूनिट लिख देंगे और 1 ओम की क्या है? डेफिनेशन भी लिख देंगे। ठीक है, इसमें भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि ये प्रतिरोध किन किन बातों से प्रभावित होता है। जैसे हमने कहा था कि भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए, तो आगे हम नेक्स्ट पार्ट में क्या देखेंगे कि प्रतिरोध का मान किन किन बातों पर निर्भर करता है, किन किन बातों से बदल सकता है, या ओम्स ला किन किन बातों की सीमाओं में बंधा हुआ है। वैसे तो यहां लिखने के लिए ओम्स ला में हम 2 पॉइंट आसानी से लिख सकते हैं। फर्स्ट वाले में कि फिजिकल कंडीशंस अनचेंज, मतलब भौतिक अवस्थाएं बदलना नहीं चाहिए, और दूसरा लिख सकते हैं यह वास्तव में सार्वत्रिक नियम नहीं है, यूनिवर्सल लॉ नहीं है, यह केवल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स है, मतलब धातुओं का एक सामान्य गुण है जो सिर्फ किसमें? धातुओं के लिए लागू होता है। यह नियम किस पर लगता है? धातुओं में ही लागू होता है। आगे पढ़ेंगे जब हम किसमें? अर्धचालकों में, सेमीकंडक्टर्स में, और उसमें देखेंगे कि पीएन जंक्शन डायोड बनता है, फॉरवर्ड बेसिंग में हम करंट वी और आई में ऐसा कर्व हम प्राप्त करेंगे जो कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है, इसलिए यह सब में लागू नहीं होता है, सिर्फ किस में लागू होता है? धातुओं में,
या विद्युत अपघट्यों में भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में, रासायनिक घोल में, सुचालक रासायनिक घोल में। क्लियर है? तो इसमें बारीकी वाली बहुत सारी बातें हैं। इलेक्ट्रिसिटी अगर अच्छे से समझना है तो ये टॉपिक जो चल रहा है इसको बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। खास तौर से आज वाला जो टॉपिक हमने समझाया है उसको आप लोग बार बार रिमाइंड करके अच्छे से देखें। लिखने का मैटर तो बहुत कम है इसमें, दो लाइन तीन लाइन की परिभाषा ओम्स लॉ में लिख लेंगे आप, और इसके बाद एक ग्राफ खींच सकते हैं, और प्रतिरोध की परिभाषा क्या है, ठीक है, ये भी तीन चार लाइन में लिख लेंगे, बहुत आसान है, लिख लेना, ठीक है। लेकिन इसमें समझने के लिए बहुत सारा है, और जो समझेंगे उसका यूज न सिर्फ इस चैप्टर में, आगे आपकी स्टूडेंट लाइफ में जब तक आप साइंस पढ़ते रहेंगे तब तक आज की बताई गई बातों का, और अभी और भी बातें हैं उनका यूज होता रहेगा। एक ही लेसन में बातें कवर नहीं की जा सकती हैं, वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए बाकी बातें हम सेकेंड पार्ट में आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। तो इनका अभ्यास करें और बार बार इसको रिवाइंड करके जरूर देखें। आशा करते हैं कि आज की क्लास आपने अच्छे से अटेंड की, और अब उसकी प्रैक्टिस करिए और अपनी तैयारी की खुद जांच करिए, और हमारे पास होमवर्क करके जरूर भेजिए। आज के लिए इतना ही, कल फिर से मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। टेक केयर।